अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका विद आयशा। आज मैं बना रही हूँ लीची का शरबत। बहुत अच्छा, ख़ास, मज़ेदार और टेस्टी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। गर्मी का ख़ास तोहफा है, इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। कि बहुत ही यमी और ईजी रेसिपी है। जितना दिखने में ये अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर मैंने 1 kg लीची ली है और इसका छिलका रिमूव करेंगे और गुठली इसकी निकाल लेंगे। जो गूदा हमें हासिल होगा, इसे बनाएंगे टेस्टी और यमी हमारा लीची का शरबत। तो यहाँ पर हमने इसका जो गूदा हासिल कर लिया है, वो ये है। तकरीबन 4 to 6 सर्विंग के लिए बहुत अच्छा हमारा 1 kg में रेडी हो जाएगा। तो इसको हमने ब्लेंडर में डाल दिया। 4 tablespoons शुगर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/2 teaspoon में सिनेमन पाउडर ऐड करूंगी। हेल्थ बेनिफिट हैं इसके भी बहुत ज़्यादा। तो अपने ड्रिंक्स में अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टेस्ट तो जहाँ पर अच्छा होता है, तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, तकरीबन 10 से 12। 1 tablespoon है ब्लैक सॉल्ट, इससे भी टेस्ट भी अच्छा आता है। और 1/2 teaspoon है ब्लैक पेपर। इतने कम से अज्जात से हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का और टेस्टी हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें हम पानी ऐड करके इसको जस्ट ब्लेंड करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा लीची का शरबत तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको गर्मी में ले रहे हैं तो लीची में पाया जाता है कैल्शियम भी है इसमें, पोटाशियम भी है, कॉपर है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये हमें हार्ट डिजीज़ से तो बचाता ही है, इसी तरह ये हमें कैंसर से प्रोटेक्शन भी मुहैया करता है। तो जब भी इसका सीज़न आए तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, अपना लीजिए इसको। चाहे आप इसको लीची को खाने की सूरत में लीजिए और चाहे इसको आप ड्रिंक बनाइए कुछ इस तरह से। तो जब हमने इसमें मिंट और सिनेमन ऐड किया है तो ये बहुत अच्छा टेस्टी हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहना है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मुझे बताते रहिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो अगर ये भी आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। We'll be right back.